सबसे पहले क्या करेंगे, मुझे ऐसा कुछ वर्क करना है तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले एक बैकग्राउंड यहाँ पे लेना होगा। जैसे कि सपोज मैंने बैकग्राउंड ले लिया यहाँ पे फोटोशॉप में, यहाँ पे ओपन करती हूँ तो यहाँ पे हमने फोटोशॉप ओपन किया। सबसे पहले क्या करना है, क्रिएट व्यू। आपको अगर यहाँ फिल्म एंड वीडियो को फर्स्ट पेज अगर लेना है वो आप ले सकते हो। उसको मैंने यहाँ पे क्या क्रिएट, मेरे पास क्या हुआ यहाँ पे पेज यहाँ पे आ गया। लेयर पैनल अगर शो नहीं हो तो आपको F7 प्रेस करना है। उससे क्या होगा आपको यहाँ पे लेयर पैनल F7, उससे क्या होगा आपको यहाँ पे लेयर पैनल प्रॉपर आपको शो हो जाएगा। मैंने ऐसा कुछ यहाँ पे किया, फाइल में जाना है मुझे क्या करना है ओपन, देन जो मैंने यहाँ पे इमेजेस सेव किए उनको मुझे यहाँ पे लेना है। देन जैसे कि सपोज मैंने इमेजेस ले ली काइंड ऑफ ऐसे कुछ, इफ मैं ले ली मैंने यहाँ पे ऐसे कुछ, इसको मैंने क्या किया नॉर्मली मैंने क्या किया मूव टूल से मैंने मूव किया। मुझे अपने करने के लीडर्स को स्केल को क्या किया हमने यहाँ पे कंट्रोल टी को मैंने यहाँ पे किया इसको स्केल, कितना आप स्केल करना चाहते हो काइंड ऑफ मैंने इसको किया ऐसा कुछ स्केल। एंटर प्रेस किया, कंट्रोल प्लस मैंने यहाँ पे किया आगे। और मुझे अगर यहाँ पे कुछ और दिखना चाहता तो आपने देखा होगा यहाँ पे जो वर्क है आपका काइंड ऑफ वर्क आपका ऐसा कुछ है, देखिए आपको ये इसको मैंने यहाँ पे ओपन किया रेफरेंस में ऐसा कुछ है। मैंने पीछे का मैंने इसका यहाँ पे सेट किया। अब देखो यहाँ पे साइड में इसका फॉरेस्ट एरिया, तो फॉरेस्ट एरिया हम उसे कैसे सेट करेंगे, आपको क्या करना है फाइल में जाना है अगेन ओपन करना है। सपोज फॉरेस्ट एरिया मैंने ऐसा भी कुछ लिया है, इसको मैंने क्या लिया, इसको मैंने मूव टूल लिया या सब कई तरह। आपको यहाँ पे रेफरेंस सॉरी आपको यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव करना है वो भी आप कर सकते हैं। बैकग्राउंड रिमूव के लिए मैंने आपको बताए हुए टूल ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल मैंने यहाँ पे लिया। सपोज मैंने क्या क्लिक किया इंसेक्ट, मेरे पास ऑब्जेक्ट इतना शो हो रहा है। ये सपोज आपको अगर लेस हो तो इसको अलग से मूव करना है ऐसा कुछ निकाल के, तो वो भी आप यहाँ पे मूव कर सकते हो। मैंने ये किया यहाँ पे ऑल्ट प्रेस किया मास्क। अब मेरे पास यहाँ पे हार्डनेस आ रही है, अब क्या करना है हार्डनेस को मुझे रिमूव करने के लिए मैंने ये किया यहाँ पे डबल क्लिक ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिखा। मेरे को ऊपर देखो फैदर के यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं, मुझे फैदर अगर इंक्रीज करना है मैंने फैदर किया यहाँ पे 5, इसको मैंने किया ओके। मुझे यहाँ पे नॉर्मली मुझे लेना है नॉर्मली बैलेंस कर सकते हैं, मैंने किया कंट्रोल डी। तो कुछ लगा आपको हल्का सा हार्डनेस थोड़ी कम आपके सब अगेन देखो ऐसा कुछ मैंने काम किया। 5 मैंने यहाँ पे किया सब, इसको मैं कर देती हूँ यहाँ पे 10। ऑल्ट मैंने प्रेस किया मैंने किया मास्क, तो आपको लगा हल्का सा फैदर आपका हुआ, जो आपकी हार्डनेस थी थोड़ी वो कम आई है। बेसिकली मैंने क्या किया इसको मैंने मूव किया अपने पैनल पे, जो भी आपका यहाँ पे लेयर ऐसा कुछ मैंने इसको मूव किया। मुझे क्या करना है यहाँ पे थोड़ा बैलेंस करना है इसको, कंट्रोल टी मैंने किया स्केल में यहाँ पे कर लेती हूँ। मुझे स्केल करना है काइंड ऑफ ऐसा कुछ, पॉसिबल है क्या, इसको मैंने किया एंटर। अब मुझे क्या लगता है यहाँ पे कलर स्काई का उसको मुझे दोनों बैलेंस करने है, तो मैं क्या करती हूँ मेरे पास एक और ऑप्शन है बी मैंने प्रेस किया। मैं यहाँ पे इरेज भी कर सकती हूँ अगर आप करना चाहो तो, मैंने देखो ऐसा कुछ इरेज किया। अगर आपको कोई और चीज़ आपको लेनी है वो भी आप लेके बैलेंस कर सकते हो, अगर मुझे ऐसा कुछ काम करना हो, मुझे पीछे कोई और माउंटेन कोई और स्काई लगाना हो, पॉसिबल है क्या ऐसा कुछ। मैंने नॉर्मल मैनेज किया इसको, यस या नो। अब बेसिकली करना क्या है आपको, मुझे अगर यहाँ पे कोई और चीज़ ओपन करनी है मैंने ओपन किया यहाँ पे काइंड ऑफ, मैंने ऐसा कुछ अगर आपको लेना है मुझे सिर्फ ये वाला पार्ट दिखाना है ये नहीं दिखाना, तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे सिलेक्शन ले सकती हूँ। सपोज मैं लेसर टूल यहाँ पे लिए, लेसर टूल से मैंने नॉर्मली यहाँ पे ऐसा कुछ सिलेक्शन कंट्रोल डी लाल, मुझे लग रहा है नहीं यहाँ पे ऑब्जेक्ट से मैं निकालना चाहती हूँ इसको, मैंने कहा कंट्रोल जे फॉर लेयर कॉपी मैंने यहाँ पे ले ली। इसको मैंने क्या किया मूव, मेरे पास देखो यहाँ पे भी हार्डनेस दिखती है आपको, कंट्रोल टी मैंने किया कंट्रोल टी से मैंने इसको, लेकिन मुझे क्या करना है प्रॉपरली बैलेंस करना है लेयर, मुझे अप डाउन करने लेयर में अप डाउन करके यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा बैलेंस कर सकती हूँ ऐसा कुछ। मुझे यहाँ पे कलर चेंज करने है, कलर के लिए मैंने क्या लिया यहाँ पे मैं चाहती हूँ यहाँ से मैंने लिया कलर लुकअप को मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया नाइट मून लाइट मैंने यहाँ पे, लेकिन कलर लुकअप मुझे कहाँ चाहिए माउंटेन वाली लेयर के ऊपर, पूरा डार्क में गया आपका सीन यस या नो, पूरा डार्क में गया यस या नो। मुझे अगर इसको थोड़ा सा मूव करना है कुछ मैनेज करना है, मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरी हार्डनेस आ रखी है। न्यू लेयर मैंने यहाँ पे ली, बी मैंने प्रेस किया बी फोर ब्रश, और यहाँ पे मुझे लिटिल बिट अगर ये हार्डनेस रिमूव करनी है कुछ आइडिया लगा गई यस या नो। अगर मुझे ऐसा कुछ
रफली सा कोई पार्ट आपको अगर मैनेज करना हो यहाँ पे ऐसा कुछ पार्ट मैं नॉर्मली सेट किया यहाँ पे यस या नो इतना क्लियर हुआ यस या नो अगर आपको क्रिएट क्लिपिंग मास्क करना है वो भी कर सकते हो मैंने क्रिएट क्लिपिंग मास्क करके मैंने ऐसा कुछ किया है यहाँ पे डन ऐसा कुछ हम लोग कर सकते हैं मुझे अगर यहाँ पे फाइल में जाती हूँ मैंने ओपन किया मुझे यहाँ पे बीच में एक रोड चाहिए रोड काइंड ऑफ मुझे ऐसा कुछ चाहिए तो सिंपल मैंने क्या किया मुझे साइड वाला पार्ट नहीं चाहिए साइड वाला पार्ट क्या हो तो मैं इरेज से निकाल सकती हूँ इरेज करके तो मैं चेक करती हूँ कि हाँ मेरा सेट होगा साइड वाला पार्ट यस या नो सिंपल मैंने क्या किया कंट्रोल टी मैंने यहाँ पे किया इसको मुझे कैसे स्केल में लेना है मैंने ऐसा कुछ को नॉर्मली मैनेज किया मुझे साइड वाला पार्ट नहीं दिखाया तो मैंने क्या किया मास्क ले लेती हूँ बी मैंने प्रेस किया बी फॉर ब्रश मैंने इसको यहाँ पे किया इतना ऐसा कोई ब्रश ऐसा कुछ पार्ट स्केलिंग को डाउन अगर आपको सिलेक्शन से निकालने गए तो सिलेक्शन से भी निकाल सकते सिलेक्शन करना मैंने आपको बताया हुआ है कैसे आपको सिलेक्शन करना है कैसा सिलेक्शन करना चाहते हो बताया है यस या नो आप ऐसा कुछ आप यहाँ पे चेक कर सकते हो रोड आपका ऐसे कुछ जा रहे मुझे अगर यहाँ पे इसको मुझे बैलेंस करना है बैलेंस कर सकती हूँ ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग बैलेंस नहीं कर पाएंगे सब मैं चाहती हूँ इसको नॉर्मली सिलेक्शन मैंने क्या किया रेक्टेंगल ले लिया इतना पार्ट मैंने सिलेक्ट किया ऑल्ट बैकस्पेस कंट्रोल डी क्या किया मैंने यहाँ पे ऑल्ट बैकस्पेस कंट्रोल डी अगर आपको लेसो से लेना है लेसो से भी सपोज आपको लगे कि नहीं मेरे ये पार्ट मेरा आ गया तो मैंने क्या किया ऐसा कुछ मैंने किया ऑल्ट बैकस्पेस कंट्रोल डी मुझे लग रहा है अगेन मेरे ये वाला मेरा पार्ट यहाँ पे आ गया तो मैंने क्या किया ऐसा कुछ काम ऑल्ट बैकस्पेस कंट्रोल डी मुझे यहाँ पे भी ऐसा कुछ मैंने नॉर्मली मैंने सेट किया ऑल्ट बैकस्पेस कंट्रोल डी आइडिया लग रहा है यस या नो कई तरह आपको ऐसा कुछ करना है वैसा कुछ कर लो अगर आपको इरेजर से करना है इरेजर से कर लो आपको ब्रश से करना है ब्रश से कर लो आपके ऊपर डिपेंड है कैसे आपको बैलेंस करना है मैंने इसको ही मैंने ऐसा कुछ यहाँ पे लिया ऑल्ट बैकस्पेस कंट्रोल पॉसिबल है क्या अगर आप चाहते हो उसे नॉर्मली इरेज से निकालना आप इरेज से निकाल लो यहाँ पे रफली सा ये पार्ट मेरा यहाँ पे हुआ यस या नो कुछ आइडिया लगा नहीं लगा अगर सपोज आप चाहते हो यहाँ पे इरेजर से लगा तो मैंने क्या किया मैंने बी प्रेस किया और यहाँ पे मैंने हार्डनेस को इंक्रीज कर दिया हार्डनेस मैंने फुल किया अब अगर मैं यहाँ पे करती हूँ ब्रश ध्यान से देखो हार्डनेस के साथ आ रहा है यस या नो अगर आपको हार्डनेस नहीं चाहिए आपको स्मूथनेस चाहिए तो गाइस आप क्या करो हार्डनेस को कम कर दो कुछ मैनेज हुआ मुझे तो यहाँ पे हार्डनेस नहीं चाहिए मैं लेती हूँ यहाँ पे स्मूथनेस के साथ ही मैं काम करती हूँ सॉफ्ट ब्रश मैंने लिया हुआ है यहाँ पे मुझे अगर नॉर्मली इसको बैलेंस करना हो कुछ आइडिया लगा नॉर्मली मैंने यहाँ पे इसको ईजिली मैं इसको निकाल लेती हूँ यहाँ पे ऐसा कुछ करके इसको ऐसा कुछ सपोज सेट किया स्केलिंग को लिटिल बिट और मैंने डाउन किया यहाँ पे ऐसा कुछ पार्ट केस कुछ आइडिया लग रहा है आपको यस या नो ऐसा कुछ मैंने इसको नॉर्मली सेट किया बेसिक एकदम नॉर्मल अब क्या किया मैंने इतना मैंने सेट किया यस या नो मुझे साइड में अगर और कुछ भी दिखानी है मैं इसकी कॉपी ले सकती हूँ कंट्रोल जे दिख रहा है आपको यहाँ पे कंट्रोल जे ऐसे आपको अगर मैनेज करने उसके अकॉर्डिंग मैनेज आप कर सकते हो मेरे पास क्या हुआ दिखने आपको साइड के एरिया वो हम वहाँ पर मैनेज कर लेंगे फिलहाल मैं क्या करती हूँ यहाँ पर थोड़ा सा लुकिंग फील देती हूँ कैसा ऐसा कुछ मुझे माउंटेन सेट करना है काफ़ी अच्छी चीज़ें सेट करनी है लेकिन पहले मैं ये सर्कल वाला लुकिंग फील देती हूँ उसके बाद माउंटेन वगैरह प्रॉपर में सेट कर लूँगी अब जैसे यहाँ पे क्या हुआ मैंने सिंपल के लिए आपको यहाँ पर जाना है टूल पैनल में यहाँ से आपको लेना है चलो मैंने यहाँ पर मैंने क्लिक किया एडिट टूल बार मैंने यहाँ से ले लिया एलिप्स ग्रेडियंट टूल है नीचे जाते दिख रहा है ये एलिप्स टूल मैंने एलिप्स टूल लिया एलिप्स को क्या करना है आपको क्रिकेट जब करके कहीं सेट करना है तो वैसा सेट भी कर सकते हो फिलहाल मैं यहाँ पे यू प्रेस कर लेती हूँ डन मैंने क्या किया यहाँ पे यू प्रेस किया यू प्रेस करने मेरे पास यहाँ पे ऐसा कुछ आया मैंने क्या लिया यहाँ पे एलिप्स मैंने लिया सिर्फ मैंने प्रेस किया मैंने क्या क्लिक एंड ऐसा कुछ पार्ट
मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, ब्लैक कलर का स्ट्रोक, मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर ले लिया, मुझे अपने स्ट्रोक को कितना इंक्रीज करना है, मेरे स्ट्रोक को ऐसा कुछ इंक्रीज किया, ऐसा कुछ मैंने सेट किया, यस या नो, कंट्रोल टी मैंने किया, कंट्रोल टी से मैंने इसको किया स्केल, मुझे कितना यहाँ पे स्केल दिखाना है, मैं अगर लेयर को नीचे लेती हूँ रोड वाली लेयर के, कुछ आइडिया लगा नहीं, ऐसा कुछ मैंने नॉर्मली सेट किया, मुझे यहाँ पे इसकी लाइट सेट करनी है, कैसे आपको बैलेंस करना है, कंट्रोल जी मैंने इसको अगेन किया, क्लिक मैंने किया, जब मैं इसको अगेन क्लिक करती हूँ मुझे कलर कैसा चाहिए, ब्लू कलर, तो क्या किया प्रॉपर्टीज यहाँ पे ओपन हुई, अब मुझे ब्लू कलर में कैसे लेती हूँ, सपोज स्ट्रोक का ही चाहिए मुझे, क्लिक मैंने किया ब्लू कलर, सपोज मैंने क्लिक किया ऐसा कुछ, ओके किया, ठीक है, तो ब्लू कलर सेम आपका है, लेकिन मुझे क्या करना है, लेयर को नीचे लेना है ब्लू वाली को, कंट्रोल टी कर लेना, कंट्रोल टी करके मैं लिटिल बिट इसको कर लेती हूँ ऐसा कुछ, ओके, दोनों को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, दोनों लेयर को मुझे ग्रुप करना है, कंट्रोल जी से आप ग्रुप कर सकते हो, इसको मैंने किया कंट्रोल जी, ग्रुप वाला जो पार्ट है फिल्टर पे जाती हूँ मैं, सपोज ब्लू वाली लाइन जो थी ये वाली, इस पे मैं जाती हूँ, इस पे फिल्टर पे जाती हूँ, मैंने किया ब्लर, देन हम लोग जाते हैं गोशम ब्लर, स्मार्ट गोशम ब्लर से देखो मेरे पास क्या यहाँ पे कुछ लाइटनेस दिखी आपको, कुछ लाइट जैसा आपको एरिया, मुझे कैसे कुछ लाइटनेस दिखानी है, कुछ बैलेंस करना है, पॉसिबल है क्या, ऐसा कुछ मैंने बैलेंस किया, और लिटिल बिट में ग्लो इसमें भी हल्का सा देती हूँ नीचे वाले में, फिल्टर पे जाती हूँ मैंने किया ब्लर, यहाँ से होती गोशम ब्लर स्मार्ट आपको, या मुझे ऐसा कुछ दिखाना है, कुछ आइडिया लगा, यस या नो, मुझे ऐसा कुछ बैलेंस करना हो पॉसिबल है, यस या नो, अब मेरे जो रेफरेंस है वो कैसा है, यहाँ पे रेफरेंस कैसा है, मेरे ऐसा कुछ रेफरेंस है, अब देखो मेरी जो पीसी के कलर है उसके कलर दोनों डिफरेंट है, देखो यहाँ पे सब इसको मैं ओपन कर रही हूँ, मेरे पास देखो ऐसा कुछ मेरा काम हुआ, और इसको मैंने ओपन किया मेरे पास ऐसा कुछ है, मुझे इसकी कॉपी लेके मैनेज करना है, कॉपी के लिए क्या करना है मुझे यहाँ पे ग्रुप को उठाना है, कॉपी करना है ना, तो ये जो चारों ग्रुप है दोनों को मैं उठा लूँ क्या, इन दोनों को मैंने यहाँ पे सेव करके क्लिक किया, कंट्रोल जे, कंट्रोल जे मैंने किया, मुझे कहीं इसको ऐसा कुछ मुझे दिखाना है, कंट्रोल टी मैंने किया, सॉरी किसी एक ग्रुप को मैं लेती हूँ यहाँ पे, आई थिंक इन दोनों को मैंने उठाया, कंट्रोल टी मेरे पास, तो कंट्रोल टी क्या करता है वर्क करता नहीं ना, बेसिकली मैंने क्या किया एक को मैं यहाँ पे करती हूँ ऑफ, या मोबाइल वाले करती हूँ ऑफ, कंट्रोल टी मैंने किया, या फिर कहीं मुझे ग्रुप के अंदर जाना होगा ये तो वहाँ पे वर्क नहीं करता, तो बेसिकली मैंने क्या किया यहाँ पे ग्रुप के अंदर इन दोनों को सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे कंट्रोल टी, अब देखो यहाँ वर्क नहीं करता ना, अगेन मैं चाहती हूँ कंट्रोल टी मैंने किया, मैं अगर इसको करती हूँ स्किल देखिए आपको कहाँ पे रखना है कैसा रखना है, बस आपको लेयर का ध्यान देना पड़ेगा, लेयर आपको अप डाउन कैसे बैलेंस करनी है, मैं अगर जितना मैं यहाँ पे लेयर पे ध्यान दूंगी उतना मेरा बेनिफिट होगा, सब मैंने यहाँ पे एक ही दिखाया, आप चाहो तो मल्टीपल चीज दिखा सकते हो, पॉसिबल है ये से, अगर आपको मल्टीपल चीजें दिखानी है मल्टीपल दिखा सकते हो, कंट्रोल जैसे आपको कॉपी करना है कॉपी कर सकते हो, अब मुझे सपोज ये इन दो को मैं फिलहाल यहाँ पे करती हूँ डिलीट, इसको मैंने डिलीट किया था, इसको मैंने डिलीट किया, मेरे पास के ग्रुप कौन से है, ये वाला एक जो मैंने ग्लो दिया है, मुझे एक परफेक्टली मुझे ग्लो चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे मैं जाती हूँ इलिप्स की मैंने कॉपी ले ली कंट्रोल जी, इसको मैंने कहीं ओशन ब्लर ऑफ किया, डबल क्लिक मैंने किया, डबल क्लिक करके मैं यहाँ पे ले लेती हूँ ग्रेडियंट, सॉरी आउटर ग्लो, आउटर ग्लो मैंने लिया, आउटर ग्लो मुझे कौन सा कलर का चाहिए, मुझे चाहिए काइंड ऑफ ऐसा कुछ कलर, हल्का सा ऐसा कुछ ले लेती हूँ मैं, यहाँ से इसको मैं करती हूँ नॉर्मल, दिखे आपको कुछ अलग से आपका कुछ यहाँ पे स्प्रेड देखो यहाँ पे, मैं साइज को मैं यहाँ पे इंक्रीज करती हूँ, मुझे ऐसा कुछ देना हो पॉसिबल है क्या, ऐसा कुछ मुझे बैलेंस करना हो काम करना हो पॉसिबल है, यस या नो, डबल क्लिक मैंने यहाँ पे अगेन किया, मुझे इसको आउटर ग्लो का थोड़ा सा बैलेंस करना है, नॉइज चाहिए नॉइज आप दे सकते हो ऐसा कुछ, देखा आप ऐसा कुछ नॉइज, अगर आपको ऐसा कुछ नॉइज देना हो स्प्रेड कितना आपको करना है आप स्प्रेड कर सकते हो, यहाँ से साइज कितना आपको लेना है, देखो यहाँ पे लगा आपको ग्लो टाइप में कुछ लगा, यस या नो, मुझे साइज कम करना है, मैंने सबको साइज लिया ऐसा कुछ मैंने साइज ले लिया, वो आप ले सकते हो, यहाँ पे कैसे आपको नॉर्मली बैलेंस करना है, कुछ लगा ग्लो आ रहा है इसके अंदर से,
ऐसा नहीं, मतलब आपको बैलेंस करना हो वो कर सकते हो, रेंज कितना चाहिए वो रेंज ले सकते हो. अगर आपको यहाँ से और भी चीज़ें मैनेज करनी है, मैं अगर देखती हूँ मैंने मल्टीप्लाई किया तो देखो यहाँ पे कुछ आइडिया लग रहा है. यस गाइस, सबको इसको मैं नॉर्मली यहाँ पे किया, इसको मैंने किया यहाँ पे ओके. मुझे इसकी मल्टीपल्स कॉपी लेनी है, ऐसा कुछ दिखाने के लिए मल्टीपल्स कॉपी ले सकती हूँ मैं. कॉपी लेके क्या किया, उसे मैनेज किया अलग अलग उस पर अलग अलग डिस्टेंस में. मुझे क्या करना है यहाँ, फिलहाल मैं पूरे को एक टोन देती हूँ. जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ग्रुप का ये काम हो गया, इस ग्रुप को मैंने लिया पूरा. कंट्रोल जे, क्या करना है कंट्रोल जे फॉर ग्रुप की कॉपी, या फिर इस वाले ग्रुप को कहीं आपको बैलेंस करना है कंट्रोल टी करके. मेरे पास तो कंट्रोल टी वर्क नहीं करेगा बिकॉज क्यू, क्योंकि पूरा ये किसमें आपका ग्रुप में. ग्रुप मैंने कैसे किया यहाँ पे कंट्रोल जी से. अब क्या करना है मुझे, अगर इसको अनग्रुप लेयर करना हो, अनग्रुप में हुआ यस या नो. इसको मैंने क्या किया, तीनों को सिलेक्ट किया मैं, अगर वो तो कंट्रोल टी तो देखो मेरे पास क्या होगा यहाँ पे 1 2 3 तीनों मेरे पास यहाँ पे हैं. मैं सपोज यहाँ पे मैंने इन दो को सिलेक्ट किया कंट्रोल टी मैंने किया देखो यहाँ पे, तो क्या बोल रही है एक एक चीज़ को मैं प्रॉपरली ऐसा कुछ मैं बैलेंस कर दूँ. मुझे कहाँ दिखाना है, देख रहे ये वाला पार्ट मुझे नहीं दिखाना था, मैं इसको ऑफ कर सकती हूँ. कुछ आइडिया लगा यस या नो, मुझे ये पार्ट दिखाना है ऐसा कुछ बहुत छोटा सा. कंट्रोल टी मैंने अगेन किया यहाँ पे, इसको मैंने क्या किया यहाँ पे ऐसा कुछ किया. मुझे लगा स्ट्रोक बहुत ज्यादा आ रहे, दिख रहा है आपको स्ट्रोक यहाँ पे. इसको भी मुझे स्केल करना है, जितना मैंने इसको स्केल किया उतना मैं कंट्रोल टी करके इसमें मैं स्केल कर लेती हूँ. ऐसा कुछ पार्ट कैसा दिखाना है, कैसा दिखाना चाहती हूँ, पॉसिबल है गाइस ऐसा कुछ मुझे करना होगा. मुझे लग रहा है ब्लैक वाला पार्ट मेरा बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, मुझे इसको हल्का सा स्ट्रोक कम करने क्लिक मैंने किया, स्ट्रोक को मैंने कम किया यहाँ पे. कुछ आइडिया लगा नहीं लगा, पॉसिबल है पॉसिबल है यस या नो. इसको मैं नॉर्मली बैलेंस किया, मुझे अगेन मैंने क्या किया, अगर आपको ग्रुप करना है कहीं तो मैंने तीनों को किया यहाँ पे कंट्रोल जी फॉर ग्रुप. कंट्रोल जी मैंने लिया, कंट्रोल टी मैंने किया, इसको मैंने ओके किया. मेरे पास क्या हुआ यहाँ पे ऐसा कुछ दूसरा पार्ट यहाँ पे आया यस या नो. इसको मैंने क्या किया यहाँ पे स्केल, कुछ आइडिया लगा यस या नो. ऐसा कुछ मैंने इसको अगेन लिया और क्या करना है, इसकी मैं एक कॉपी लेती हूँ कंट्रोल जी कंट्रोल टी ओके. और मुझे क्या करना है यहाँ पे इसको अगेन स्केल, ऐसा कुछ पार्ट मुझे दिखाना हो पॉसिबल है यस या नो. अब मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा कट सा रहा है, तो मैं क्या करती हूँ इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लेती हूँ कंट्रोल टी करके. मुझे बैलेंस करना होगा ऐसा कुछ, कुछ आइडिया लगा रहेगा ऐसे है ना. मुझे अगर ये ऊपर का ऐसा कुछ बैलेंस करना है, अब देखो मुझे जो लग रहा है कि मेरी ये शेप है इतनी बिगड़ी हुई है, तो मैं इरेज से काम कर सकती हूँ अपना काम कर सकती हूँ इरेज से. ये अगर मैं यहाँ पे अगर देखती हूँ ये मेरा काम हो गया, इसको मैं जानती हूँ मेरे पास कौन सी शेप है आई थिंक ये वाली. कंट्रोल टी मैंने किया, इसको मैंने ओके किया, फिलहाल इसको साइड कर लेती हूँ. ऐसा कुछ पार्ट कुछ आइडिया लगा यस या नो, पॉसिबल है ऐसा कुछ. मैंने सेट किया इसको, मैंने नॉर्मल किया यहाँ पे ऑफ. मेरे पास क्या है नॉर्मल यहाँ पे ऐसा कुछ ग्लो भी है, मुझे अगर ग्लो देना हो ग्लो मैंने दिया था ब्लर करके. आपको ग्लो देना हो ग्लो दे सकते हो ऐसा कुछ आपको. मुझे ग्रुप के अंदर प्रॉपरली यहाँ पे ये चीज़ सेट करनी है. कहाँ है मेरे पास यहाँ पे आई थिंक ये वाली लेयर है कंट्रोल टी मैंने किया, इसको मैंने ओके किया. मुझे लग रहा है इसको अगर मैं नॉर्मल देखती हूँ यहाँ पे देखो ऊपर वाला पार्टी हो रहा है, एंटर मैंने प्रेस की तो मुझे नहीं यहाँ पे लेयर देखनी पड़ेगी कौन सी लेयर मेरी कौन सी है. यहाँ पे देखो आपका ग्लो वाला पार्ट है, इसमें आपका ये वाला पार्ट है, इसमें क्या है आपका बीच वाला पार्ट. तो मैं क्या करूँगी इसमें लास्ट कंट्रोल टी मैंने किया ओके, इसको मैं लिटिल बिट यहाँ पे स्केल. कुछ आइडिया लगा यस या नो, मुझे नॉर्मली बैलेंस करना है, मैं नॉर्मली वैसे को बैलेंस कर सकता हूँ. क्लियर हुआ मुझे यस करना, ग्लो लग रहा है आपका यस या नो, लग रहा है ना ग्लो. मुझे ऐसा कुछ बैलेंस करना हो वो बैलेंस कर सकती हूँ. मुझे लग रहा है लास्ट वाली लेयर मुझे अगेन यहाँ बैलेंस करनी है ग्रुप वाली, तो क्या किया मैंने इस पर मैंने ऑन किया कंट्रोल टी मैंने किया ओके, मैंने यहाँ बैलेंस किया इसको लिटिल बिट ऊपर. हाँ मुझे लग रहा है कि नहीं भाई यहाँ पे थोड़ा सा स्केल है, तो देखो ये पार्ट पॉसिबल है क्या. अब ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे है, इस वाले पार्ट को मुझे अलग से बैलेंस करना है, अलग से बैलेंस कर सकती हूँ. मुझे करना हो कंट्रोल टी करके आप यहाँ पे अगेन ये पार्ट आपको वो बैलेंस करना वो ही बैलेंस कर सकते हो. अब देखो ये वाला आपको दिख रहा है अलग से आपका यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन आपका आया हुआ है, मैं इसको लेती हूँ इसको कंट्रोल टी मैंने यहाँ पे किया
सिंपल केक है, मैं इसको लिटिल बिट यहाँ पे नीचे ले देती हूँ, हल्का सा स्केलिंग का पार्ट ऐसा कुछ, हल्का सा मुझे स्केल लेना है, ऐसा कुछ पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है ये सर? मुझे पूरे पे अगर एक टोन देना है तो मैंने क्या किया, पूरे पे एक टोन देने के लिए सबको मैंने यहाँ पे ऑफ किया, क्लिक किया मैंने यहाँ पे, मैं यहाँ पे लेती हूँ फोटो फिल्टर अगेन। मुझे फोटो फिल्टर लेना है, मुझे ऐसा कोई टोन देना हो पूरे पे तो क्या हुआ, पूरा ऑरेंज टोन आया, लाइट लग गई आपको, ये सर? आपको अगर दूसरी कोई लाइट बनानी है, मुझे फोटो फिल्टर नहीं चाहिए, मुझे दूसरी कोई लाइट में, तो मैंने क्या किया यहाँ पे मैं जाती हूँ, नॉर्मली मैंने लेसर टूल ले लिया, एक न्यू लिया, मैं नीचे से ले लेती हूँ, मुझे यहाँ पे दिखाने में लाइट वाला पूरा इफेक्ट आया हुआ है। न्यू लेयर मैंने यहाँ पे ले लिए और सिंपल क्या करना है, कलर कौन सा पिक करना है आपको, पिकर से ऐसा कुछ कलर, ऑल्ट बैकस्पेस कंट्रोल डी। अब मुझे क्या करना है, इसको ब्लर करना है ना, क्या किया मैंने, फिल्टर पे जाती हूँ, मुझे इसकी ओपेसिटी कम करनी है, कैसा बैलेंस करना है कर सकते हो, ऐसा कुछ अगर आपको लगा तो ग्लो अप का आया हुआ है, कुछ दिखाना हो बीच रोड पे आपको चलते हुए किसी को, पॉसिबल है? सिंपल क्या, अगर आप कैसा को बैलेंस करना है वो कर सकते हो, मुझे नॉर्मली यहाँ पे देखना है, नॉर्मली के लिए मैंने क्या किया यहाँ पे मुझे कुछ और दिखाना है, कोई चलते हुए दिखाना है, ऐसा कुछ दिख रहा है ये लाइट, अगर आपको ऐसे भी लाइट देनी है अगर वो भी आप दे सकते हो, सेम प्रोसेस वही रहने वाला है आपका, जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि सपोज मैंने साइड में मुझे कोई माउंटेन दिखाने है, पहाड़ दिखाने है, दिखा सकती हूँ मैं, ये मैं क्या करती हूँ, मैं सिंपल ऐसा कुछ मैंने माउंटेन लिया, साइड में जाती हूँ, ये मैं क्या करती हूँ माउंटेन की ब्रश में डाउनलोड कर लेती हूँ, मैंने क्या सर्च किया यहाँ पे माउंटेन ब्रश, ये मेरे पास एडिटिंग होंगी अभी, मैंने बी प्रेस किया, बी फॉर ब्रश, सिंपल क्या किया मैं न्यू लेयर यहाँ पे ले ली, ब्लैंक न्यू लेयर, ब्रश में जाती हूँ, ब्रश में मैं यहाँ पे जाती हूँ नीचे की तरफ, मेरे पास यहाँ पे है ऐसे कुछ ब्रश बॉट चलते हुए है, मुझे सपोज यहाँ पे दिखाना है कोई, मेरे पास अलग अलग टाइप की ब्रशेस यहाँ पे अवेलेबल है, सिंगल है, ग्रुपिंग, बर्ड दिखाने हो मुझे अगर, इसमें ब्लू कलर में मुझे बर्ड रात को होंगे तो कौन से कलर में होंगे, ब्लैक में, तो क्या करूंगी मैं, ऐसे ब्लैक कलर मैंने लिया, मैं यहाँ पे इतना कुछ कुछ आइडिया लगा नहीं लगा, और ऐसा कोई बर्ड आपको दिखाने हो, बर्ड को अगर आपको स्केलिंग करनी है तो आप स्केलिंग भी कर सकते हो, मैंने कोई ऐसा कुछ किया, कंट्रोल टी में देखिए मुझे कुछ छोटे से बर्ड यहाँ पे दिखाने, ऐसे कुछ बर्ड का कलर चेंज करना हो, सिंपल क्या करो आप, जो कलर आप स्टार्टिंग में लोगे, सपोज मैंने क्या किया यहाँ पे अंडू मैंने अगेन किया, सपोज मैंने बी प्रेस किया है बी में, सपोज यहाँ पे आपको जो भी बर्ड है, सपोज मैंने यहाँ पे लिया ऐसा कोई ब्लू कलर, कुछ आइडिया लगा तो अच्छा है, मैं ब्लैक कलर बेटर लगेगा इसमें, मैंने ऐसा कोई ब्लैक नहीं लिया, पॉसिबल है? कंट्रोल टी करके आपको कितना आपको स्केल करना है, कैसा आपको बैलेंस करना है वो आप बैलेंस कर लो, आपकी एक ही लेयर है ध्यान देना, मुझे अगर ऐसा कुछ दिखाना है आप लेयर यहाँ पे अलग अलग लेके सेट कर सकते हो, कैसे आपको लेयर क्रिएट करनी है, कैसा आप यहाँ पे काम करना चाहते हो, पॉसिबल है? यस मैम, मैंने सपोज यहाँ पे एक और लेयर ले ली हूँ, मुझे वैसा कुछ काम करना है वही मैं कर सकती हूँ, जैसे सपोज ऐसा कुछ मैं क्लाउड में ले सकती हूँ, मुझे सपोज क्लाउड दिखाने हो अगर, पॉसिबल है क्लाउड दिखाने हो, क्लाउड दिखा सकती हूँ, बी मैंने अगेन प्रेस किया, मेरे पास क्या है यहाँ पे ब्रश नॉर्मल है, ये ऐसा कुछ भी है, देखो यहाँ पे ग्रुपिंग ये पूरा बर्ड है आपके, मुझे अगर यहाँ पे ऐसा कुछ बॉट टाइप में है आपके, तो यहाँ पे आपको अलग अलग ब्रशेस काफी मिलेंगे, ये मेरा पूरा अलग ही हो गया पार्ट, मून ब्रश भी है मेरे पास यहाँ पे, मून फोटोशॉप स्नो भी है यहाँ पे, स्नो व्हाइट कलर का स्नो होता है,
अभी से मेरा मून भी है यहाँ पे, मुझे मून कहीं पे ऐड करना हो मैं दिखा सकती हूँ, लेकिन कलर कुछ हो रहा है तो मून अच्छा नहीं लगेगा सर। तो सिंपल मैंने क्या किया, मुझे वेव दिखाना है वेव में दिखा सकती हूँ, फैब्रिक दिखाना है फैब्रिक हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे, कोई फैब्रिक अगर आपको लेना हो, मेटल लेना है तो मल्टीपल ब्रश मेरे पास यहाँ पे आते हैं, गर्ल ब्रश है, इस गर्ल को मुझे कहीं दिखाना हो कि ऊपर देख रही है, इसकी मैं अगर सिंपल क्या किया मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ ब्रश लिया है, इसको मैं स्केल कर लेती हूँ, फिर इसका फेस पे अगर ध्यान देना, मैं सब उसको ऐसा कुछ दिखाऊँ तो लगा आपको, मुझे कुछ और यहाँ पे दिखाना है वो मैं दिखा सकती हूँ, ये मुझे कोई ब्रश डाउनलोड करने में क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ फैमिली ब्रश, फैमिली ब्रश डाउनलोड ऐसा कुछ मैंने लिया गूगल पे, मैं सिंपल जाती हूँ यहाँ पे मैंने क्लिक किया, बेसिकली मैंने क्या किया यहाँ से कोई भी फैमिली ब्रश मैं लेती हूँ सपोज काइंड ऑफ ऐसा कुछ, इसको मैंने कह दिया फ्री डाउनलोड, डाउनलोड यहाँ पे हुआ ये से आई। अब सिंपल क्या करना है, जो भी आपका फोल्डर है जो आपने मेंटेन किया हुआ फोल्डर पे आप जाओ, इसको मैंने किया शो इन फोल्डर, तब मैंने क्या किया यहाँ पे कट किया फ्लावर में जिस पीसी पे जाती हूँ एक टाइप में पेस्ट कर देती हूँ न्यू फोल्डर बना के, आपको लग रहा है आपको फोल्डर पेज की जरूरत है तो वैसे भी यहाँ पे एक्सपोर्ट करो, और यहाँ पे देखो आपका ब्रश ही आया, इसको क्या करना है आपको राइट क्लिक करना है ओपन विथ फोटोशॉप, बी मैंने प्रेस किया बी फॉर ब्रश, क्लिक करना है आपको यहाँ पे, सबसे नीचे आपको मिलेगा है फैमिली ब्रश जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, देखिए आपको यहाँ पे आइडिया लगा नहीं लगा, ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे इसको लिया, मुझे इसको स्केल करना है, पॉसिबल है अगर आपको रियल कैरेक्टर दिखाना है रियल भी दिखा सकते हो, तो मुझे कोई रियल दिखाना है रियल के लिए मैं क्या करूँगी, सिंपल मैंने यहाँ पे लिखा गूगल पे क्या सर्च करूँ, बेसिकली कहती है मैं इसको क्लिक करके कंट्रोल जी, इसको मैंने कह दिया कंट्रोल से मैंने किया करनी है, ऑपरचुनिटी कम।